आज की हमारी कहानी का शीर्षक है काजल भरी आंखें। ये कहानी है मीरा नाम की एक 16 साल की लड़की की, जिसकी आंखों में अपनी जिंदगी को लेकर कई हसीन ख्वाब थे। पर उसके घर का माहौल कुछ ऐसा था जहां लड़कियों को ख्वाब देखने की इजाज़त नहीं थी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मीरा आज बहुत खुश थी, हो भी क्यों ना। आज मीरा का जन्मदिन जो था, मीरा आज 16 साल की हो गई थी। मीरा एक बेहद खूबसूरत और सुलझी हुई लड़की थी। वो जितनी सुंदर थी उतनी ही तेज दिमाग और समझदार भी थी। हर काम फटाफट सीख लिया करती थी। आज भी मीरा सुबह जल्दी उठी, अपने सारे काम निपटा कर फटाफट नहा धोकर नए कपड़े पहने और आईने के सामने खड़ी होकर कुछ देर खुद को निहारा। उसने ड्रेसिंग टेबल से काजल उठाया और अपनी खूबसूरत आंखों को काजल से सजाने लगी। वैसे तो मीरा के घर में लड़कियों को बहुत दबा कर रखा जाता था, उन्हें सजने संवरने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी। लड़कियां क्या करेंगी और क्या नहीं, ये सब चीज़ें घर के मर्द ही डिसाइड किया करते थे। खैर, तैयार होने के बाद मीरा अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने के लिए बैठके में आ गई। उसने माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लिए और पिताजी का आशीर्वाद लेने उनके पास गई। मीरा ने अभी पिताजी के पैर छुए ही थे कि पिताजी चिल्ला उठे, ये क्या बेशर्मी है लड़की। मीरा को कुछ समझ नहीं आया कि उसने आखिर ऐसा क्या कर दिया। वो अपने पिताजी से इतना डरती थी कि वो डर से थर थर कांपने लगी। मीरा की माँ भी बहुत घबरा गईं कि आखिर हुआ क्या, और वो पति के पास आकर पूछने लगीं कि वो इतने गुस्से में क्यों हैं। पिताजी गुस्से से आग बबूला होकर बोले, ये लड़की हाथ से निकलती जा रही है, इसका स्कूल जाना बंद करवाना होगा। स्कूल जाकर और लड़कियों की तरह बेशर्म बनती जा रही है, हमारे घर के संस्कार भूलती जा रही है। बहुत पढ़ लिख लिया इसने, अब इसे घर पर बिठाओ और अच्छे संस्कार सिखाओ, ताकि ससुराल जाके ये हमारी नाक ना कटा दे। माँ ने पूछा, पर हुआ क्या ये तो बताइए। मीरा की तो इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो ये भी पूछ सके। पिताजी फिर चिल्लाए और माँ से कहा, तुम्हारी बेटी इतना सच संवर के बाजारू लड़की बनकर घर में घूम रही है, तुम्हें दिखाई नहीं देता। ऐसे आवारा लड़कियों की तरह लाली काजल लगाकर हमारे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई। इस लड़की को हमारे नजरों के सामने से जल्दी हटाओ, नहीं तो हम कुछ कर बैठेंगे। पिताजी की बातें सुनकर मीरा जैसे पत्थर की बुत बन गई थी। अब की बार माँ चिल्लाई, बहरी हो गई है क्या, बेशर्मों की तरह यहाँ क्यों खड़ी है, अंदर जा। मीरा भाग कर अपने कमरे में गई और बिस्तर पर औंधे मुंह तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। मीरा के पीछे पीछे उसकी माँ भी कमरे में आई और मीरा को डांटने लगी, जब तुम्हें पता है कि पिताजी को ये सब पसंद नहीं है तो तुम्हें इतना मेकअप करने की जरूरत क्या थी। मीरा के घायल मन पर एक और प्रहार हुआ। उसने करुणा भरी नजरों से माँ की तरफ देखा और बड़ी मासूमियत से कहा, माँ मैंने मेकअप कहाँ किया है, मैंने तो सिर्फ काजल ही तो लगाया है, क्या अपने जन्मदिन पर मैं इतना भी नहीं कर सकती। माँ बोली, जल्दी ही तेरी शादी करा देते हैं, फिर अपने पति के घर जाकर खूब 16 सिंगार करना और अपने पति को दिखाना। माँ का ये फेवरेट डायलॉग था। वो हर बात पर मीरा को यही कहा करती थी कि जल्दी ही तेरी शादी करा देते हैं, फिर अपने पति के घर जाकर जो तेरे मन में आए वो करना। मीरा समझ चुकी थी कि माँ को कुछ भी समझाना बेकार है। माँ अपनी बात खत्म करके कमरे से जाने लगी और जाते जाते मीरा को ये कह गई कि पूरे दिन बस अपने कमरे में सोई मत रहना, घर के सारे काम पड़े हैं अभी। और हाँ, ये जो तुमने अपने चेहरे पर रंगाई पुताई की है ना, इसे अच्छी तरह से साफ कर लेना। इतना कहकर माँ कमरे से बाहर चली गई। मीरा और जोर जोर से रोने लगी और पता नहीं कब तक रोती रही।
बहुत देर रोने के बाद अब मीरा का मन बिल्कुल खाली हो चुका था। मीरा उठी और अपना दुपट्टा उठाया और शीशे के सामने गई काजल को साफ करने। पर ये क्या, मीरा की आंखों में काजल तो क्या, काजल का नामो निशान भी नहीं था। अब वो वही पुरानी मीरा थी जिसकी आंखों को न सपने देखने का हक था और न काजल लगाने का। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मीरा की ज़िंदगी के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप मीरा की कहानी से कितना रिलेट कर पाए? और आपके आसपास अगर मीरा जैसी लड़कियां हो तो उनके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये भी बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई और एक मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।